मोतिहारी शहर में विश्व प्रसिद्ध इंदिरा आईबीएफ के चीफ एम्ब्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दयानिधि और डॉक्टर पुनीता ने प्रेस वार्ता में संस्थान के बारे में बताते हुए कहा कि ये संस्थान विगत 10 वर्षों से हिंदुस्तान के 71 सेंटर्स पर सेवा दे रही है और बिहार में 5 शहरों में जिसमें से एक मोतिहारी है निसंतान दंपतियों के लिए एक अवसर प्रदान करती है। कोई भी दंपति जो हमारे यहाँ आते हैं उनका पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं, उनका पहले हम जांच कराते हैं, फिर जांच के बाद जो उनकी रिपोर्ट होती है उनसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये बच्चा दूसरे का हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि महिला की एज कितनी है, तो वो टेस्ट से हम लोग देखते हैं। और कोई भी महिला जब जन्म होती है उसके नंबर ऑफ एग्स फिक्स रहते हैं और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उनके नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं, तो एक टाइम के बाद जब सारे एग्स खत्म हो जाते हैं तो उनका मेनोपॉज आ जाता है। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग खुद उनको बता देते हैं कि आपका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, आपके अंडों से लेंगे या फिर हमें कहीं और बाहर से लेना पड़ेगा, ये सब उस पर डिपेंड करता है। यानी कि किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं पालनी चाहिए मरीज को, बल्कि जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं उन्हें एक अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाके परामर्श लेना चाहिए, न कि उन्हें किसी गांव में लेडी डॉक्टर के पास या फिर किसी ओझा नीम हकीम के पास जाने से अच्छा है कि वो एक अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाएं, वहां परामर्श करें, वहां उनके प्रॉब्लम का कारण मालूम पड़ेगा और उन्हें उनका निवारण मिलेगा। अभी तक इंदिरा आईबीएफ के अस्पताल में 48,500 निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है और इस संस्थान का सक्सेस का प्रतिशत 80%, जो अपने आप में सफलता की कहानी बयां करती है। समाज में अभी भी बहुत भ्रम है और लोग ओझा जादू टोना में विश्वास करते हैं और समय को बर्बाद करते हैं, जबकि इंदिरा आईबीएफ में आकर मरीज अपने जीवन को संतान सुख से सजा सकते हैं। सेंटर पर जांच करके एवं सही दिशा निर्देश देकर माओं की सूनी गोद को भरा जा सकता है, इसीलिए निसंतान दंपत्ति को जरूर मिलकर सलाह लेनी चाहिए। सेंटर के लेबोरेटरी हेड अमन सिन्हा ने रोगियों के टेस्ट के बारे में जानकारी दी और बताया कि इंदिरा आईबीएफ एक सफल सेंटर। इंदिरा आईबीएफ पिछले 10 सालों से निसंतान दंपतियों के खुशी के लिए काम करता आ रहा है और पिछले 10 साल में 48,500 से अधिक निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति करवा चुका है। और हमें ये बताते बहुत गर्व हो रहा है कि इंदिरा आईवीएफ अब मोतिहारी में खुल चुका है और इससे मोतिहारी के आसपास एरिया में जो भी निसंतान दंपतियों हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। पूरे बिहार में हम लोग के 5 सेंटर्स हैं जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय और 5वां सेंटर मोतिहारी है। हमारे बीच डॉक्टर पुनीता कुमारी हैं जो यहाँ की इंचार्ज हैं, जो जिनके अंदर में सारा का मरीज का सारा इलाज इनके अंदर में होगा। और जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि इंदिरा आईवीएफ एक विश्व की सबसे एक भरोसेमंद संस्थान के रूप में उभरी हुई है और इसके द्वारा जितने अभी तक 48,500 से अधिक निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति करवा चुके हैं। और बेसिकली जो होता है कि जो निसंतानता का मेजर जो कारण है उसमें 40% लोगों में पुरुष में प्रॉब्लम होती है, 40% महिलाओं में और 20% में दोनों में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। और आज से 10 साल पहले सोचा जाता था कि अगर निसंतान है तो सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और आज के समय में निसंतानता बढ़ रही है, इसका मेन कारण है जो दूषित खान पान है, जो प्रदूषण है, जो स्ट्रेस है और उसके साथ साथ बाकी जो लेट शादी हो रहा है महिलाओं का, ये सब मेन कारण से। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी कपल 1 से 1.5 साल जिनके शादी के हो गए और वो अगर कंसीव नहीं कर पा रहे, एक बार जरूर परामर्श ले निसंतानता केंद्र में, जहाँ पे उनको हम लोग सारे उपाय के बारे में बताएंगे। ये संस्था कब से है सर? ये संस्था सर 2 मई 2011 को राजस्थान के उदयपुर में शुरुआत हुई थी सबसे पहले, और अभी 71वां सेंटर दिल्ली में एक खुला है। तो हमारे अभी पैन इंडिया 71 सेंटर्स हैं पूरे भारत में, जबकि बिहार में ये 5वां सेंटर है मोतिहारी। आप इसमें क्या काम देखते हैं? ये एंडोलॉजिस्ट हैं, जिसमें सीमन एनालिसिस हुआ, IUI हुआ, DFI हुआ, ये सब करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो मरीज आते हैं IVF के लिए, तो उनको आप लोग प्रशिक्षित भी करते होंगे मेंटली? हाँ, वो सब करते हैं हम। अच्छा, और जांच भी? सारा जांच यहीं पे होगा, जब IVF की प्रक्रिया होगी उसके लिए हम पटना उसको ट्रांसफर करेंगे, वहीं पे उसका अंडा जो होगा पिकअप होगा
और उसके बाद आईवीएफ की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।